क्या और माँ ने पिज्जा खाया हम के बगैर और आप जो पिज्जा खा के आते हो स्कूल मेरे बगैर। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल है आप लोगों का? आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे। अच्छा, तो अभी हम लोग ज़रा बाहर जा रहे थे, हस्बैंड ने जो है ना अपना किसी काम से जाना था, उनका काम था, तो मैंने कहा मैं भी साथ चलती हूँ, मुझे थोड़ी सी जो है चीज़ें लेनी है, तो मैंने कहा साथ में आप लोगों को भी लेके चलती हूँ और दिखाती हूँ। ज़्यादा कुछ नहीं करनी, ग्रॉसरी नहीं करनी, कोई दो तीन चीज़ें बस ख़त्म हुई थी वही लेनी है। तो और उसके बाद अगर टाइम बचा तो मैंने अपना जो है ना एक यहाँ पे है स्टोर है जहाँ पे हेयर और सारी चीज़ें मेक ब्यूटी रिलेटेड चीज़ें मिलती हैं, सो शायद वहाँ पे भी जाऊँ, तो वहाँ पे भी आप लोग के साथ मेरे खाते की मैं लेने के नहीं आई थी। मुझे नज़र आई भिंडियाँ कटी हुई तो मैंने वो भी ले ली। यूजली हम लोग जो है ना फ्रोज़न भिंडियाँ ले लेते हैं, फ्रेश वाली लेते हैं, लेकिन ये ज़रा रहती हैं फ्रेश रहती हैं, तो वो कभी भी आप फ्रीज़र से निकाल लो, यूज़ कर लो। और यहाँ पे हस्बैंड काम कर रहे हैं, मैंने कहा चलो आप काम करो तब तक मैं राउंड मार के आती हूँ। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाहती हूँ, यहाँ पे कैनन की चीज़ें भी मिलती हैं लेकिन बिल्कुल फ्रेश नहीं होती हैं, उससे बेहतर हम लोग जो यहाँ की फ्रेश वाली यूज़ करते हैं वो ज़्यादा अच्छी होती हैं। और यहाँ पे जो है ना इन्होंने मैरिनेट करके चिकन मीट वगैरह भी रखा होता है, मैंने एक दो बार ट्राई किया है, बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता, बहुत ही फीका होता है। अच्छा, एक काजल पेंसिल है लैक्मे की, इंडिया की है, बहुत ज़बरदस्त है, मैंने पहले भी यूज़ की थी, बिल्कुल समझ नहीं होती है, सो मुझे यहाँ पे नज़र आई मैंने दोबारा ले ली। और जो है मैं यहाँ पे देख रही थी वाइट कॉर्न्स, ये मुझे पाकिस्तान में बहुत पसंद हैं, जो भून के देते थे ना, और ये बिल्कुल बहुत सख्त वाले नहीं होते थे, तो पर मुझे समझ नहीं आई कि इसको बनाना कैसे, इसलिए मैंने वापस रख दिया। और मैंने ओट फ्लावर लिया, इससे मैं अपने लिए ओट की रोटी बनाऊँगी, मैं बहुत ज़्यादा खा रही हूँ आजकल, तो मैंने अब दोबारा अपनी डाइट पर ध्यान रखती हूँ, सो मैं आप लोगों को बताऊँगी कि मैं ओट फ्लावर की कैसे रोटी बनाती हूँ, बनाती थी, काफ़ी टाइम हो गया छोड़ दिया हुआ है। खैर, तो यहाँ पे जो है ना हस्बैंड के लिए क्रीम भी लेनी थी, काफ़ी दिनों से पराठे के साथ अंडा खा रहे हैं और इतने अंडे मेरे हस्बैंड खाते नहीं है, सो मैंने क्रीम भी ले ली। और पहले मैंने ऑलपर्स की लिया, मैंने कहा चलो ये हलीब की नहीं आई हुई, ये ट्राई करती हूँ। ये क्या? अच्छा, खोलना ज़रा, मेरे से खुद नहीं रहा। मैं अभी चेक कर रहा हूँ, मुझे कस्टमर सर्विस में लगा दिया, अच्छी है मसला ही। और ये जो है मैंने पता नहीं गार्लिक देखा, मैंने कुछ देखा है लोग पकाते हैं, पता नहीं कैसे पकाते हैं ये, अगर किसी को पता है तो ज़रूर मुझे बताना। और करेले भी बहुत फ्रेश लग रहे थे, तो सब्जियां वगैरह जो है हमारे घर में खाई जाती हैं, मुझे पर्सनली बहुत पसंद है वेजिटेबल्स वगैरह। और जो है लेमन वगैरह भी मैंने ले लिया, लेमन भी मैं काफ़ी टाइम से लेना चाह रही थी, मैं कॉफ़ी में यूज़ करती हूँ। अच्छा, और यहाँ पे लगी हुई है फिर ये जो है अंजीर बोलते हैं इसको, और ये फ्रेश वाली होती है, हम लोग तो ड्राई देखी हुई है ना, यहाँ पे मैंने आके फ्रेश वाली देखी थी, उससे पहले मैंने कभी नहीं देखी थी। अच्छा, सो बेसिकली मैं यहाँ पे जो है ना राइस लेने आई थी, उसके अलावा और शायद मैं देसी घी लेने आई थी, और उसके अलावा मैंने बाकी चीज़ें ऐसी बास्केट भर ली। तो मैं आप लोगों को दिखाना चाह रही थी कि यहाँ पे इतनी ज़्यादा राइस की वैरायटी है ना, प्रीमियम राइस और सेला राइस और पता नहीं कौन कौन से राइस, तो जो खैर हम लोग एक दो हैं जो पसंद शौक से खाते हैं और वो अच्छे बन जाते हैं, एक होता है ना हाथ सेट हो गया उन पे तो वो हो गया, और ये कैटल्स मुझे इतनी प्यारी लग रही थी यहाँ पे। और ग्रोसरी हो गई है डन, एंड अब जो है बस हम लोग अब चेकआउट करवा के बाहर निकल रहे हैं। ये अभी हम लोग आए हैं यूपीएस स्टोर पे, हस्बैंड ने कुछ ड्रॉप करना है, सो आई थिंक जस्ट बॉक्स ही ड्रॉप करना है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना, तो आई थिंक मेरे पास टाइम है। अब मैं जो वो ब्यूटी सप्लाई स्टोर है उधर जाऊंगी, और जी तो मैंने सोफ़ा का ऑर्डर किया था मार्केट प्लेस पे, सो उसी बंदे की कॉल आई थी कि मैं कल आ जाऊँगा ड्रॉप करने बिटवीन 11 to 1 to 2 PM, और ये कैश ऑन डिलीवरी है। पर मेरा मुझे बस ये डाउट था कि मैं एक दफ़ा चेक कर लूँ कि अच्छी कंडीशन में हो, सारा कुछ हो, तो अब ये है कि कल जब आएगा तो एक बार मैं उसका ज़रूर चेक ज़रूर करूँगी, और फिर कैश ऑन डिलीवरी ही फिर उसको उसी वक्त देंगे। तो मुझे क्या चाहिए था, मुझे एक तो चाहिए हेयर स्प्रे चाहिए, और इधर आई लैशेज जो है ना फॉल्स लैशेज भी मिलती हैं काफ़ी, और काफ़ी अच्छी खासी हैवी भी मिलती हैं, जो कि आई डोंट नो कौन लगाता है।
वो मैं यूज करती हूँ, हेयर फाइबर कह रहे हो ना? हाँ हाँ, वो बिकॉज वो ना वो जो पैचेस होते हैं ना वो कवर फिर कर देता ना उससे. मेरा बहुत दिल है मैं ये वाला शैम्पू ट्राई करूँ बालों के लिए. अच्छा ये वाले जो है ना ये मैंने यूज़ किए हुए हैं, लेकिन ये जो है ना इतनी क्वालिटी अच्छी नहीं है. अमेज़ॉन वाले अच्छे होते हैं, ये 299 के लगे हुए हैं. एक ले लेती हूँ, अगर काम कर गया तो ठीक है फ़िलहाल के लिए, बाकी नहीं तो शायद अमेज़ॉन से मंगाऊँ. घर पे एक आध मेरे पास पड़ा हुआ है, ये पकड़ना एक मिनट, घर पे मेरे पास एक आध पड़ा होगा. और ये वाले भी मैंने लास्ट टाइम इतने ज़्यादा मंगवाए थे, उस टाइम पर मैं ये आप क्या बोल रहे थे उस टाइम पर, आप कह रहे थे इतने ज़्यादा तुमने क्या करने, मेरे सारे ख़त्म हो गए हैं, वो पता ही नहीं चलता उस टाइम पर जब. आई नो बट अभी आई डोंट हैव इट. ये मैं ना फिर ये वाला ले रही हूँ फिलहाल, ये भी महंगा ही है 499 का. मशीन से या टीमो से मंगवाती हूँ, मुझे बहुत अच्छे मिल जाते हैं. अभी मेरे पास सिर्फ और सिर्फ ना ब्लॉन्ड में पड़े हुए हैं, मैंने लास्ट टाइम ब्लॉन्ड भी मंगवा लिए थे लेकिन ये वाले नहीं है. और ये पिंस है सारी हेयर पिंस, इसमें से जो है ना मैं जम्बो बॉबी पिन छोटी वाली मेरे पास पड़ी हैं, ये वाली मेरे पास ख़त्म हो गई हैं तो ये लेती हूँ. अच्छा फिलहाल मैं ये सिर्फ जम्बो पिंस ले रही हूँ और बॉबी पिंस मेरे पास पड़ी हैं और यू पिंस ले रही हूँ फिलहाल के लिए. बाकी और ये यहाँ पे सारी हेयर एक्सटेंशन है, एक दफ़ा आपको दिखाती हूँ राउंड मार के. और एक ये पकड़ना है ना, एक दो जो है ना वो ये वाली जो है ये ब्रेडेड एक्सटेंशन है और ये ह्यूमन हेयर नहीं होते हैं, सो इसकी सिर्फ ब्रेड ही हो सकती है इनकी और हम कुछ नहीं कर सकते इनके साथ. ये 45 की लगी हुई है और ये जो है 100% ह्यूमन हेयर लिखा हुआ. ग्लिटर्स मेरे पर बहुत हैं और फिर मैं जब भी ग्लिटर्स देखती हूँ फिर मेरा दिल करता है ग्लिटर्स लेने का. आई नीड टू ट्राई दिस. मैं इतना बैग लेती नहीं होती, 25 सेंट्स का इतना सा बैग ले लिया आपने, मैं हाथ में पकड़ लिया. Hi, good. I will get one veggie slice. And can I get one nesty and one creamy garlic? I think बच्चों की छुट्टी होने में 10 मिनट्स रह गए और बारिश एकदम से तेज स्टार्ट हो गई है. और पिज़्ज़ा आपने तो नहीं खाना ना? So I don't know, मैं ये क्यों खा रही हूँ, मुझे भूख नहीं है टू बी मैं बस ऐसे ही खा रही हूँ कि बाहर आई हूँ तो कुछ खा के जाती हूँ. आजकल मैं बहुत भूखी हो गई हूँ, बहुत ज़्यादा खाने लग गई हूँ. तो खैर गाड़ी में एंजॉय करती हूँ गरम गरम पिज़्ज़ा, बहुत मज़े का, एक्स्ट्रा क्रिस्पी क्रंची यम्मी स्पाइसी. क्या खाना बाद में? आपने कुछ मंगवाना होगा इसलिए कह रहे हो है ना, फिर मुझे बाद में कहोगे. आगे ना सुबह हम लोग की क्या बात हो रही है, मुझे जो है ना ये कह रहे हैं कि जी मेरी अम्मी जो है ना बहुत सेविंग करती होती थी और अब्बू जो है ना मेरे जब बूढ़े भी हो गए थे ना तो ये तारीफ करते थे कि तुम्हारी अम्मी ने जो है ना बहुत सेविंग की है और हमने कुछ बना लिया कुछ कर लिया तो इसीलिए किया, तो तुम भी अगर कुछ बुजोड़ोगे तो खुद बन जाएगा. मैंने कहा मसला ये था कि आपके अब्बू बर्गर नहीं खाते थे, पिज्जे नहीं खाते थे, वो बेचारे रोटी के साथ चटनी भी खा लेते थे, मिर्चे भी खा लेते थे. ठीक है, तो फिर ये है कि अगर आप सोचते हो कि मुकाबला करना है कि दूसरा वाला बंदा भी वैसा करे, फिर आप भी तो वैसे बनो ना, कि अगर आपका दिल है तो आप बर्गर शर्गर शॉर्मे चिकन तो बिरयानियाँ और सारा कुछ, तो फिर ये चीज़ें भी तो कॉम्प्रोमाइज़ करनी पड़ेंगी ना. अगर अम्मी ने कॉम्प्रोमाइज़ किया तो अब्बू ने भी जारी सी बातें किया होगा. तो अब यहाँ पे दाल बने तो हमारे मुंह को जचती नहीं है, कुछ और चीज़ बने, चिकन होना चाहिए बस, चिकन हो तो फिर खाया जाता है, वरना ये तो शुरू में वेजिटेरियन पिज़्ज़ा भी उनको लगता था है ये वेजी पिज़्ज़ा कौन खाता है, कोई बोटी छोटी नहीं है इसके ऊपर. और हम लोगों को यह वेजी खाने की आदत हुई हुई थी क्योंकि अब ज़्यादा हलाल ऑप्शन आ गए, उस टाइम पे तो हलाल इतने ऑप्शन थे भी नहीं. चिकन आ जाओ चल से बैठो, इससे बैठो बैठो बैठो, इट्स रेनिंग.
सोना मैं कब से आपको वेव कर रही थी, आपको नजर नहीं आया? पापा तू देखो जैसे मैंने समझे था आपको और आंटी किसी को को कर पागल। हाउ वाज योर डे? गुड गुड। यू फॉरगॉट योर म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट? या आई नो टुडे वाज योर म्यूजिक क्लास राइट? आज मैंने किसी और का लेके बस बटन प्रेस किया। अस्सलाम वालेकुम। हाउ आर यू? गुड। हाउ वाज योर डे? गुड। अभी हम लोग बच्चों को लेके घर जा रहे हैं और आई थिंक मेरा ये व्लॉग इनफ लंबा हो गया होगा, तो इस व्लॉग को आज मैं यहीं एंड करती हूँ और इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं कल किसी और वीडियो के साथ। और आई होप आप लोगों को आज की वीडियो अच्छी लगी होगी और प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और इस वीडियो को लाइक भी कर दें। अल्लाह हाफिज। क्या और आप जो पिज्जा खा के आते हो स्कूल मेरे बगैर तो कहता तो मेरी माँ ने पिज्जा खाया मेरे बगैर। लिचियो बना लियो। हाँ जी ये।